will teach you a lesson very soon. Thank you. Thank you. Sri Namo Nageshwar Rao ji. Hello, Namo Nageshwar ji. You tell me which rule, under which rule you are raising? ऐसा कोई रूल में नहीं है. नमो नागेश्वर जी, यू स्टार्टेड. पार्टी का मेंबर बोलता है तो कैमरा उसके ऊपर होता है, लेकिन जब ऑपोजिशन का बोलता है तो कैमरा जो है चेयर पर होता है. सर, हु इज कंट्रोलिंग दिस लोकसभा टीवी? नमो नागेश्वर जी, आप अपनी बात रखिए. थैंक यू चेयरमैन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑन बिहाफ ऑफ बीआरएस पार्टी माई लीडर केसीआर गारु. सब अभी स्वतंत्र होके इंडिपेंडेंस होके अभी 75 इयर्स में हम लोग आ गया. 75 साल से अगर हम लोगों का कॉन्स्टेंसी, जो जो कॉन्स्टेंसी का दिक्कत सब अपना अपना कॉन्स्टेंसी वाला बताता है, मगर जो देश का जब बात आता है तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1 में जो लिखा है उसको इंडिया दट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. मगर 75 साल होने का बाद भी आज के दिन में इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है और छोटा स्टेट है, बड़ा स्टेट है. कुछ स्टेट जो है ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ स्टेट जो है ना आपके लिए अपोज है. मगर आपको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठने का बाद आप यहां से सबको इक्वली जो है ना देखना चाहिए, सही ढंग से देखना चाहिए. वो छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो, आपको मदद कर रहा हो, आपको अपोजिशन हो, मगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो है ना पूरा देश के ऊपर होना चाहिए. जब स्टेट्स का जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखना चाहिए. अभी देश में क्या हो रहा है, अभी जो स्टेट में स्पेशली हमारा जो स्टेट में, अगर तेलंगाना में हम तो जरूर जो है ना मणिपुर का बात बात करेगा. अभी तेलंगाना में पिछले 9 साल से जो है ना हमारा केसीआर साहब जो है ना मुख्यमंत्री है, हमारा पार्टी जो है ना उधर गवर्नमेंट चला रहा है स्टेट में. सेंट्रल में आप लोग भी जो है ना 9 साल हो गया, 9 ईयर से आप लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, इधर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मगर हमारा स्टेट को इतना अन्याय कर रहा है. जो एपी आर नेशन एक्ट में 2014 में ये हाउस से जो एक्ट पास हुआ था, वो एक्ट का अनुसार हमको जो है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी खम्मम से उधर जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने का था, हमारा काजीपेट में कोच फैक्ट्री लगाने का था. कोच फैक्ट्री का जगह ये कोच फैक्ट्री लेके गया महाराष्ट्र, ये कोच फैक्ट्री लेके गया गुजरात. हमको जो है ना कोच फैक्ट्री नहीं दिया, वैगन रिपेयर का जो है ना वैगन शेड एक बना दिया. उसी तरह से आईएम देने का था, हमको नहीं दिया. ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने का वादा था एक्ट में, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है. मेडिकल कॉलेजेस पूरा देश में जो है ना सबको दे दिया, तेलंगाना को एक भी जो है ना मेडिकल कॉलेज नहीं दिया. कल हमारा दोस्त पुराना दोस्त हमारा लोकसभा टीवी को तो छोड़ो ना, हमारा हमारा दोस्त निशिकांत दुबे साहब ने बोल रहा था, उसका जो है ना कॉन्स्टेंसी में एम्स लगा हुआ है और उधर जो है ना मेडिकल कॉलेजेस लगा हुआ है. मगर तेलंगाना में क्यों इस तरह से कर रहा है? तेलंगाना का लोग, तेलंगाना देश में है, तेलंगाना भी पार्ट ऑफ इंडिया है, मगर तेलंगाना का ऊपर आप लोग क्यों इस तरह से कर रहा है? और एक भी जो है ना मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है. सबसे ज्यादा नवोदय विद्यालय यहां पर द एक्ट का अनुसार हरेक स्टेट हरेक डिस्ट्रिक्ट में. व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग हिम, व्हाई फ्रीक्वेंटली यू आर स्टैंडिंग अप, टेक योर सीट. डोंट वांट टू शो द अपोजिशन. व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग हिम? Don't disturb him. Their grievances of the state, it's the TV is diverting somewhere. तो आप बोलो इनकी जगह. TV is not focusing on the opposition members at all.
अभी गलत कर रहे हैं। अभी अभी चेयरमैन साहब, हम लोग नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्ट का अनुसार एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक नवोदय विद्यालय देना है। पिछले 9 साल से एक भी जो है ना विद्यालय में नहीं दिया है। हमारा मुख्यमंत्री साहब चिट्ठी लिखा है, हम लोग भी चिट्ठी लिखा है, ये हाउस में कई दफा बात किया है, तब भी जो है ना एक स्कूल भी नहीं दिया, एक नवोदय विद्यालय भी नहीं दिया। उसी तरीके से अगर आप बोलने से, हम लोगों को पहले कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, आईटीआईआर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तेलंगाना को सैंक्शन हुआ था, आप लोग जो है ना जो सैंक्शन हुआ प्रोजेक्ट को निकाल दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। क्यों हम लोगों का तरफ से इस तरह से कर रहा है, ये जो है ना बोलना पड़ेगा, बात बोलो को जरूर जो है ना उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर मगर हमारा तेलंगाना का कुछ स्कीम्स तो आप कॉपी कर रहा है, अच्छा है। अगर तेलंगाना का इंडिया में सबसे पहले हर एक फार्मर के लिए, अगर एक किसान के लिए, हर एक एकड़ के लिए 10,000 रुपए प्रति साल देता है, अगर उसको आप लोग कॉपी किया है, अच्छा है। किसान सम्मान निधि बोल के 6,000 रुपए दिया है, उसको हम लोग स्वागत करता है। कम से कम आप लोग तेलंगाना रूट को आप लोग जो है ना फॉलो किया है। उसी तरह से हम लोग का मिशन काकतिया, हर एक घर में जो है ना हम लोग फिल्टर वाटर देता है। और ये भी जो हम तेलंगाना का किसान का बेटा है, विलेजेस में जो है पैदा हुआ आदमी है, हम बचपन में देख रहे हैं, तेलंगाना आने तक हमको पीने का पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। जब गर्मी आता है तो मार्च से लेकर जुलाई तक जो है ना पीने का पानी नहीं, तो कुछ कुछ गांव जो है ना पानी के पास जाना पड़ता था। ये कंडीशन था तेलंगाना का। मगर हमारा नेता केसीआर साहब आने के बाद पूरा तेलंगाना में हर घर का जो है ना फिल्टर पानी दे दिया, उसको भी जो है ना आप लोग हमारा मिशन भगीरथ को कॉपी किया है, अच्छा है। आप लोग भी देश में हर घर का जो है पानी दे रहा है, हर घर जल का नाम से दे रहा है, वो दे दीजिए। अगर इसी पार्लियामेंट में हम लोग क्या क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, देश में कौन सा स्टेट है बड़ा स्टेट में हर घर का जल जो है ना दे रहा है, इसी आंसर जो है ना मंत्री साहब ने दिया। इसमें तो एक ही स्टेट है जो बड़ा स्टेट में, तेलंगाना है, पूरा हर घर में जो है ना जल दे रहा बोल के। हम लोग जो है ना ये करने के बाद पूरा देश में सब स्टेट के लिए आप लोग पैसा देता है, मगर हम हर घर जल जैसा मिशन काकतिया बनाया। मिशन काकतिया के बाद हमारा जो है ना हम लोग का जो है नीति आयोग का रिकमेंडेशन वो सर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलाउड येस्टरडे ऑल्सो, ओनली पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन नॉट बी अलाउड टू द ट्रेजरी बेंचेस। हाउ इट कैन बी, we also asked for the point of order sir, on sir number time, point of order is being given to Nishikant Dubey, how can it be, how? speaker's direction 115 wo ye kehta hai sir ki koi member yadi galat bayani kar rahe hain to mantri nahi koi member bhi uska sudhar kar sakte hain। ye jis project ki baat kar rahe hain sir us pe 86,000 crore main on record kar raha hu kaleswaram project mein theek hai ठीक है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने 86,000 करोड़ रुपया ठीक है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। नमो नागेश्वर जी, आप बात रखिए, आप कितना, व्हाई यू आर सो मच एजिटेटेड? अरे भैया इनको बोलने दो, आप कितने एजिटेटेड होते हो, आप बोलिए। मिशन काकतिया मिशन साहब, आप अपनी बात रखो। चेयरमैन साहब, मिशन भगीरथा के लिए नीति आयोग ने रिकमेंड करके 24,000 रुपीज को रिकमेंड करके आपका पास भेजा इसको पैसा देने के लिए, एक रुपए नहीं दिया है। अगर पूरा देश में हर एक राष्ट्र को हर घर जल का पैसा देता है, हमारा जो है तेलंगाना में हम लोग जो है ना वो स्कीम, अगर हमारा जो है ना हर घर में जो है पानी देने का बात, तेलंगाना को 1 रुपए भी नहीं दिया है। उसी तरीके से आज के दिन में देश में 24 आवर्स पावर किसान लोगों को फ्री देने का राष्ट्र एक ही राष्ट्र है, वो तेलंगाना है। राज्य हमारा स्टेट जो है ना स्टेट में 24 आवर्स फ्री करंट देता है, और वो भी जो है ना आप लोग स्कीम लगा दीजिए पूरा देश में। अगर अगर
तेलंगाना में पावर नहीं जाएगा, अमेरिका में पावर कट हो सकता है, मगर तेलंगाना में कभी एक दिन के लिए भी पावर नहीं जाता है। जब हम लोग का तेलंगाना नहीं आया था उस टाइम में अंधकार में था तेलंगाना। तेलंगाना बनने के बाद हम लोग जो है अभी 18,600 मेगावाट का पावर प्लांट्स लगा दिया, उसका वजह से हम लोग आज के दिन में पूरा पैड़ी में देखे तो अभी पंजाब को क्रॉस करके नव ईयर नंबर वन है। उस तरह से पूरा जो है ना जमीन का रेट भी, जब तेलंगाना आने के बाद 2 लाख रुपए पर एकड़ था, अभी जो है ना 30 लाख रुपए हुआ है। उसीलिए हम लोग ये मानता है आप जो है जो जिस तरीके से जो पेंडिंग इश्यूज को सबको हमको सपोर्ट करे, अगर उसी तरह से देखे तो आपका जो है फेलवर्स भी बहुत है। आप कितना वादा किया था, अगर लोगों को जो है ना बहुत वादा किया है आप। अभी हमारा पर कैपिटा इनकम इंडिया में हम लोग नंबर वन है, जब तेलंगाना आने का पहले हम लोग 10-12 में था रैंक में, अभी तेलंगाना आने के बाद वी आर पर कैपिटा में नंबर वन है, 3,12,390 यस नंबर वन है, बड़ा स्टेट में वी आर नंबर वन है। और उसी तरीके से अगर आपका सपोर्ट नहीं है तब भी हम लोग नंबर वन है। आप लोगों को हम ये बोलना चाहते हैं, आप लोग इसी तरह से सबको सपोर्ट कर दीजिए। अगर उसी तरह से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना बहुत एरियाज में फेल हो गया, अगर उसको जो है ना प्राइसेस काफी जो है ना, अगर पेट्रोल का डीजल का प्राइस काफी बढ़ गया, उसी तरह से गैस सिलेंडर का प्राइस काफी बढ़ गया, उसी तरह से हर एक साल में 2 करोड़ का जॉब देने के लिए था, अभी 9th ईयर में आप लोग है, 18 करोड़ का जॉब मिलने का था, मगर अभी अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत है, इसका बारे में भी आप लोग जानना चाहिए। उसी तरीके से सर उसी तरीके से अभी भी कम से कम तेलंगाना को भी जो ना ठीक ढंग से देखे, ऑनरेबल चेयरमैन साहब कभी भी ना कांग्रेस है ना बीजेपी, ना इधर का है ना उधर का है, हम लोग अपना भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का है, हम लोग देश का लोगों का साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब एक मिनट सर, एक दो मिनट सर, सर अभी अभी सर सर अभी जिस तरीके से सब जिस तरीके से जो है ना अभी मणिपुर में जिस तरीके से हुआ है, ये हम लोग का एंटायर कंट्री में इंडियन पीपल के लिए ये जो है ना बहुत शर्मंदी का है। हम लोग का सिर अभी झुकना पड़ रहा है पूरा विदेश में भी। ये बात हम किस लिए बोल रहा है, अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में भी वो लोग एक रेजोल्यूशन जो है ना लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सब। नहीं सब, बहुत बहुत अगर स्पीकर का नाम बोलता उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की थ्री जजेस का, फॉरवर्ड जजेस का कमिटी भी डाला है। अभी आखिरी में चेयरमैन साहब हम एक बात बोलना चाहता है, 15th लोकसभा में ये लोग उधर था, वो लोग इधर था, और इधर अपोजिशन लीडर सुषमा जी था और फारूक अब्दुल्ला साहब ने बैठा है। उस टाइम में जो ना स्टोन फेल्टिंग हुआ था कश्मीर में, 100 चिल्ड्रन जो है ना डेथ हुआ है, हम लोग अपोजिशन पूरा डिमांड किया था सुषमा जी के साथ, हम लोग डिमांड करके हम लोग सब गवर्नमेंट को बोला पूरा डेलीगेशन को आप कश्मीर लेके जाइए, ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके गए था, 39 जो है ना पीपल को ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके गए था, और उसमें जो ना 3 दिन हम लोग कश्मीर में था, जम्मू में था, सब सेक्शन वाला से बात किया है, हमने कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है। बहुत इसी तरह से अभी भी मणिपुर के लिए यही काम प्रधानमंत्री जी करें तो अच्छा रहेगा। हम लोग प्रधानमंत्री को इसलिए बात कर रहे हैं, देश का प्रधानी का बात से शांति आ जाएगा, देश का प्रधानी का बात अगर सबके लिए जो रेस्पेक्टेबल बात रहेगा, उसी की वजह से हम लोग डिमांड किया है, उसी की वजह से इमीडिएटली उधर जो है ना मणिपुर का बहुत बहुत धन्यवाद।